हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में पिछले वाले प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले वाले प्रोग्राम में जो हमने सम फंक्शन को प्रिंट करवाया था, वहीं से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने सेम टू सेम जो सम फंक्शन है उसको ही कॉपी कर लिया है, और मैं यहाँ पर एक और सम फंक्शन में चेंज करके उसको मल्टीप्लाई फंक्शन का नाम दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई। अब दो फंक्शन हो चुके हैं आपके सामने, एक सम और एक मल्टीप्लाई। वही हम अंदर करेंगे, उसके अंदर फंक्शन में भी ए मल्टीप्लाई बी कर देंगे, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो फंक्शंस कॉल किए हैं। अब डायरेक्टली आप इसको रन करिए तो आप देख सकते हैं ए प्लस बी और ए इंटू बी दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब एक प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने सम फंक्शन के अंदर भी दो बार वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप में, फिर उसकी वैल्यूज असाइन करी उसके अंदर, और वही चीज़ हमने मल्टीप्लाई फंक्शन में भी करी। दो वैल्यू ली ए बी, ए की वैल्यू भी 10 है, बी की वैल्यू भी 12 है, और दोनों जगह ए की और बी की वैल्यू सेम है, पर हमें दो दो बार इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना पड़ा। पर अगर हम चाहते हैं कि हम सिर्फ एक बार ही करें, और सम और मल्टीप्लाई फंक्शन में हमें बार बार इन चीज़ों को डिफाइन ना करना पड़े, हमारा सिर्फ एक बार लिखने से ही काम हो जाए, तो हम कैसे करेंगे मैं आपको बता दूँ। ये करते हैं हम पासिंग बाय आर्ग्यूमेंट से। हम क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स को पास कर देंगे, और जो मेन फंक्शन है हम उसी के अंदर इन वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। तो वो देखिए हम कैसे करते हैं। इंटीजर ए और बी जो हमने यहाँ पर डिफाइन किए हैं, उसको हम मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देते हैं, कट करके ऐसे कट करते हैं, और ये हमने पेस्ट कर दिया है। और जो मल्टीप्लाई फंक्शन है वहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, इसमें सिर्फ डायरेक्टली ए प्लस बी और ए मल्टीप्लाई बी दो ऑपरेशन यहाँ पर फॉलो होंगे। और अब मैं सम फंक्शन के अंदर ए और बी की वैल्यू पास कर दूंगा, और ऐसे ही मैं मल्टीप्लाई फंक्शन के अंदर ए और बी की वैल्यू पास कर दूंगा। ये हमने ए और बी की वैल्यू पास कर दी है। अब यहाँ पर जब हमने पास करा है वैल्यू को, तो यहाँ पर भी हमें एक वेरिएबल बनाने पड़ेंगे जो कि इन वैल्यू को कॉपी कर पाए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वैल्यू की एक और इमेज बन रही है, ये वैल्यू जो है वो डायरेक्टली कॉपी हो रही है एक दूसरे वेरिएबल में, और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो उन दूसरे वेरिएबल्स पे होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ए वन और बी वन दो वैल्यूज ली है, दो इंटीजर टाइप की वेरिएबल्स लिए हैं, और उसी में ए और बी की वैल्यू कॉपी करा दी है मैंने। सिमिलरली मल्टीप्लाई फंक्शन में भी मैंने ए वन और बी वन लिए हैं, उसमें ए और बी की वैल्यू कॉपी करा दी है। अब जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो ए वन और बी वन पर होगा, ना कि ए और बी पर। तो मैं देखता हूँ इसको, आप जब रन कराएंगे तो यहाँ पर एरर आएगा, क्योंकि जो ए और बी है अब वो इस फंक्शन के अंदर काम नहीं करेगा, हमें अब ए वन और बी वन को ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये गलती हो रही है, देखिए अब ए वन और बी वन आप चेंज कर दिए यहाँ पर। अब इस प्रोग्राम को रन कराइए तो आप देख सकते हैं ए प्लस बी की वैल्यू 22 है, और ए मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 120 है। हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही बार डिफाइन करा है वेरिएबल्स को। अब आप देख चुके होंगे यहाँ पर ए वन और बी वन की वैल्यू ए और बी के बराबर है रिस्पेक्टिवली। अब अगर मान लीजिए आप ए और बी की वैल्यू प्रिंट करवाइए मेन फंक्शन के अंदर ही, और इन दोनों फंक्शन कॉल करने के बाद, तो भी ए और बी की वैल्यू सेम ही रहेगी। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंटरचेंज कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग को, एक और फंक्शन ऐड कर रहा हूँ मैं स्वैप नाम का, स्वैप ए बी। ये फंक्शन क्या करेगा, ये आपको बताएगा कि मान लीजिए मेन फंक्शन के अंदर हमने ए और बी की वैल्यू प्रिंट कराई, तो वो क्या प्रिंट होगी, और वही ए और बी की वैल्यू जो हम कॉपी करके उस फंक्शन के अंदर भेजेंगे, तो उन ए और बी की वैल्यू क्या होगी। देखिए हमने एक और फंक्शन क्रिएट किया है स्वैप नाम का, ए और बी उसमें दो वेरिएबल्स हैं, वही ए और बी की वैल्यूज मैंने पास कर दी है। अब मैं यहाँ पर स्वैप नाम के फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्वैप, और इसमें जो मैं वेरिएबल्स लूँगा वो वेरिएबल्स अलग होंगे थोड़े, ए वन और बी वन, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये अलग अलग स्कोप की बात चल रही है। अब ये स्कोप क्या होता है, जब आप कर्ली ब्रेसेस को बंद कर देते हैं, एक बार ओपन करते हैं फिर क्लोज कर देते हैं, तो वहीं पर आपका एक स्कोप ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो भी वेरिएबल्स हैं वो काम नहीं करेंगे, अगर आपने उसको ग्लोबली असाइन नहीं किया है तो। यहाँ पर हम सब लोकल वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे ये लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स में,
तो मैं आपको एक ट्यूटोरियल समझाऊंगा जिसमें कि एक लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो मैं आपको बता दूँ, अभी थोड़ा आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो ए और बी आप देख सकते हैं मेन फंक्शन के अंदर, ये लोकल वेरिएबल हैं क्योंकि ये सिर्फ उस स्कोप के अंदर काम कर रहे हैं मेन फंक्शन के अंदर। और वहीं अगर हम इन ए और बी को मेन फंक्शन के ऊपर अगर डिफाइन कर देते हम, तो वहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं। अब बात करते हैं स्वैप फंक्शन की। स्वैप फंक्शन में हमने एक वेरिएबल लिया है टी, टी में हम ए वन की वैल्यू पास कर रहे हैं। ए वन अब खाली हो चुका है क्योंकि उसकी वैल्यू टी में कॉपी हो चुकी है, तो हम ले सकते हैं टी से। तो ए वन में हम बी वन की वैल्यू सेंड कर देते हैं और बी वन में टी की वैल्यू सब चेंज कर देते हैं। तो ये थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके मैंने स्वैपिंग परफॉर्म करी है। स्वैपिंग एग्जैक्टली क्या करेगी कि ए की जो वैल्यू है वो बी में भेज देगी और बी की वैल्यू जो है वो ए में भेज देगी। तो अब आप स्वैपिंग के बाद देख सकते हैं आप ए और बी की वैल्यू मैं प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पर आफ्टर स्वैपिंग ए वन एंड बी वन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्वैपिंग परफॉर्म करी है। ए की वैल्यू 12 हो चुकी है और बी की वैल्यू 10 हो चुकी है, पर ये जो चीज़ हो चुकी है वो स्वैपिंग फंक्शन के अंदर है। अब मान लीजिए मैंने स्वैपिंग फंक्शन जो मेन फंक्शन के कॉल कर दिया था, और यहाँ पर मैं अगर ए और बी की वैल्यू प्रिंट करवाऊँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या प्रिंट होगा। इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, ये देखिए सबसे पहले ए प्लस बी कॉल हुआ, फिर ए मल्टीप्लाई बी कॉल हुआ आफ्टर स्वैपिंग ए 12 एंड बी 10। उसके बाद आप देख सकते हैं आफ्टर स्वैपिंग जो हमने मेन फंक्शन के अंदर वैल्यू प्रिंट कराई है वो प्रिंट हुई है ए इक्वल्स 10 एंड बी इक्वल्स 12। तो ये प्रॉब्लम की बात है। फिर अब ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ये दिख रही है कि कॉपी नहीं हो रही है वैल्यूज़, कॉपी की ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे यहाँ जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को कॉपी भेजते हैं तो वो उसकी एक और इमेज बना के भेजता है, और जो भी काम होगा वो उस इमेज के ऊपर होगा, ना कि ओरिजिनल वेरिएबल्स में। अगर आपको ओरिजिनल वेरिएबल्स में चेंज कराना है तो उसके लिए एक अलग तरीके का फंक्शन बनाना पड़ेगा, वो आपको आगे बताऊंगा। तो इतना ही सिर्फ इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसको जिसमें आपको रिटर्न वैल्यू के बारे में बताऊंगा, रिटर्न वेरिएबल रिटर्न किस तरीके से करते हैं वैल्यू। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।